बाबा साहब के अनुयायी पूरे देश के अंदर कोने कोने में मिल रहे हैं। हमारे बीच में एक साथी और आए, हम उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सिंगारा सिंह है जी। सिंगारा सिंह। अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए क्योंकि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, उनको उत्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा किया है। उसी के कारण हम यहाँ हैं। हमें नौकरी मिली है तो उसी के कारण मिली है। उन्होंने हमें आरक्षण दिलाया है, उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। उन लड़ाइयों की बदौलत ही आज हम पहुँचे हैं। हम सरकारी नौकरी में हैं तो उनके कारण हैं। हम उनके मानते हैं। सभी जातियाँ जितनी भी हैं वो अपने अपने जो उठाने वाले हैं उनको मानती हैं, तो हम क्यों ना माने। हमारी जाट भाई हैं, वो सर छोटू राम जी का गुणगान गाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम किया है, तो अच्छी बात है। देखिए, बाबा साहब ने तो सभी के लिए काम किया था, चाहे जाट हैं, चाहे अन्य कोई कम्युनिटी है, बैकवर्ड के हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि भाई आज मेरी बात मान लो, अगर बात नहीं मानते हो तो 340 आर्टिकल और 341 के तहत बाबा साहब ने उनको भी प्रावधान दिया था जब मंडल आयोग लागू हुआ था। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। बाबा साहब ने कोई फर्क नहीं रखा किसी में। जातिवाद तो उन्होंने किया ही नहीं, भाई इसके लिए काम करना, इसके लिए नहीं काम करना। उन्होंने तो सबको एक साथ लेके, किसान हो, मजदूर हो, कमेरा वर्ग जितना भी है, जो लूटने वाला वर्ग, उससे बचाने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए सबके लिए काम किया है। लेकिन कुछ लोग उनकी बातों को मान गए, उन्होंने आत्मसात कर लिया। खासकर हमारे हरियाणा में जाट जाति ने उनकी बातों को आत्मसात किया है। तो कैसे? उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तीनों बातें हमारे जाट भाइयों ने माननी है। वो संगठित भी हैं, वो शिक्षित भी हो रहे हैं, वो संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेचारा दलित वर्ग है, ये उनकी बातों को नहीं मान पा रहा। कुछ ही लोग मान पा रहे हैं, कुछ ही लोग उनके कदमों में चल रहे हैं जो चाहते थे, कुछ ही लोग चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। जुड़ नहीं पाए लोग अभी तक, जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कुछ के मन में डर है, मेरे मन में डर है कि मैं नौकरी पे हूँ, शायद मेरे साथ कुछ हो ना जाए। कुछ सामाजिकता का दबाव है, समाज का ढांचा कुछ ऐसा है कि वहाँ पर उसे प्रेशर रहता है, भाई ये वहाँ गया था तो अच्छा, उसको खिंचाने लगे, उसको चिढ़ाने लगे। अच्छा, तू सम्मेलन में था, तुम अपने बाबा साहब का ऐसा करेगा? लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। अग्रसेन हो, वो बनिया हो, वो अपने अग्रसेन महाराज का पूरा उल्लेख करते हैं, पूरा समारोह करते हैं, मनाते हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं। जाट समाज है, उनको सभी लोग छोटू राम की जयंती मनाते हैं, खुलम खुला जयकारा लगाते हैं, लेकिन उनको कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन इनको सामाजिक ढांचे के कारण, व्यवस्था के कारण प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। धन्यवाद। ओके।